मैनेजमेंट के टाइम। तो ये डिसीजन दिया गया कि चाहे पीस रेट हो चाहे टाइम रेट हो, डजंट मैटर, बोनस तो सबको दिया ही जाना चाहिए। तो बोनस विल बी गिवन, पीस रेट हो या टाइम रेट हो, डजंट मैटर, आपको बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको बोनस मिलना चाहिए। ओके, चलिए जी, पीस रेट हो गया, टाइम रेट हो गया। अब मुझे बताइए, डिसमिस्ड एम्प्लॉय, डिसमिस्ड एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ? डिसमिस्ड एम्प्लॉय वेरी सिंपल, जिसको आपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया। क्यों निकाला? हो सकता है ना ऐसे किसी ने जो है ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड किया, आपने अपने एस्टेब्लिशमेंट में कोई फ्रॉड किया और अल्टीमेटली आपको निकाल दिया गया। तो ऐसे जो एम्प्लॉयज जिनको यू नो जो किसी केस में फंस जाते हैं, जिनको निकाल दिया जाता है, क्या उनको बोनस मिलेगा? नो, एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है इस चीज में। एक्ट बोलता है कि आपने कोई गलत एक्ट किया, दैट इज वाई आपको डिसमिस किया गया, इसीलिए आपको बोनस नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है? तो डिसमिस्ड एम्प्लॉयज को बोनस जो है नहीं दिया जाएगा। बट दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो कई बार ऐसा होता है कि हमने बेसिकली डिसमिस कर दिया, उसके बाद इंक्वायरी बैठी, ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि नहीं? एक एग्जांपल लेते हैं, फैक्ट्री में लेट्स से एक कैश आया और वो चोरी हो गया, थेफ्ट, ठीक है, और आई कैन से मिस अप्रोप्रिएट हो गया, चोरी हुआ या मिस अप्रोप्रिएट हुआ। हमारा जो कैशियर था मिस्टर एक्स, हमने उसको क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन से धक्के मार के बाहर भेज दिया। क्या किया उसको? डिसमिस कर दिया कि जाओ भैया तुमने चोरी करी है, तुमको जो है डिसमिस किया जाता है। लेटर ऑन एक इंक्वायरी बैठी, इंक्वायरी, अब यू नो इंक्वायरी चलने में टाइम लग जाता है, तो हमने उसको बोनस नहीं दिया, निकाल दिया। इंक्वायरी गो ऑन, गोज ऑन फॉर लेट्स से 3 मंथ्स, 3 महीने इंक्वायरी बैठी। उसके बाद जो हमको पता चला वो ये कि जो गिल्टी था, गिल्टी समझते हैं, एक्चुअली में जिसने फ्रॉड किया था वो कोई और था, गिल्टी कौन था? मिस्टर वाई। और हमारा जो एक्स है वो क्या निकला? इनोसेंट। कोई मूवी का सीन चल रहा हो, बेसिकली हमने किसी के खिलाफ एक इंक्वायरी बैठाई, इंक्वायरी में पता चला कि एक्चुअली एक्स ने कुछ भी नहीं किया, उसका जो असिस्टेंट है मिस्टर वाई, ही इज एक्चुअली गिल्टी, एक्स हमारा इनोसेंट है। हमने क्या किया? एक्स को वापस बुला लिया कि भैया सॉरी, तुमको हमने निकाल दिया था गलत सोच के, तुम तो इनोसेंट हो, वापस आ जाओ। तो यहाँ पे एक्स का कम बैक हो रहा है। कम बैक को हम ये बोल सकते हैं, उसको वापस बुला लिया, टेक्निकल लैंग्वेज में रीइंस्टेटेड विथ बैक वेजेस। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक्स को वापस बुला लिया, वापस बुलाया, उसको सैलरी भी दे दी। कितने महीने की सैलरी दी होगी? 3 महीने तक बेसिकली आपने उसको क्या रखा? काम नहीं करने दिया, आपने उसको 3 महीने का सैलरी भी दे दिया, सैलरी तो ले ली। बट जब क्वेश्चन बोनस का आता है, डू यू थिंक कि उसको बोनस भी दिया जाएगा? व्हाट डू यू से? मैडम यहाँ तो आपने बोला था कि डिसमिस्ड एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिलेगा। अग्री, बट यहाँ डिसमिस के बाद क्या हो रहा है? इंक्वायरी हो रही है, और इंक्वायरी में दैट पर्सन एक्चुअली कम्स आउट एज इनोसेंट। तो जब वो इनोसेंट है, आपने उसको वापस बुला भी लिया, रीइंस्टेटेड विद बैक वेजेस। अब जब उसको 3 महीने का वेजेस दे रहे हो, तो बोनस से क्या प्रॉब्लम है? दैट मीन्स एक 1 लाइन में अगर मैं क्रक्स लिखना चाहूँ, तो एक लाइन में क्रक्स क्या लिख सकते हैं? इफ एनी एम्प्लॉय हु इज एक्चुअली डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस एंड लेटर ऑन इफ ही इज रीइंस्टेटेड विद द बैक वेजेस। वर्ड बैक वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको वापस बुलाया वेजेस देके, तो उसको बोनस भी देना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल रब करके लिखते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है। डिसमिस्ड, पहले तो उसको निकाला था,
That is why dismissed employee reinstated with back wages. तो उसको बोनस फॉर श्योर मिलेगा. I'm sorry, dismissed employee को बोनस नहीं मिलेगा. यहाँ साइन मैंने गलत लगा दिया. Dismissed employee को बोनस नहीं मिलता है. Dismissed employee है, बट अगर reinstated with back wages है तो यहाँ पे बोनस फॉर श्योर मिलेगा. इससे क्वेश्चन बहुत आता है. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एग्जाम में सिचुएशन दी होगी कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय इसको डिसमिस किया, लेटर ऑन पेंडिंग इंक्वायरी ही केम आउट एज इनोसेंट. टेल मी वेदर दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू बोनस और नॉट. दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय विल फॉर श्योर बी एंटाइटल्ड टू बोनस. ये केस क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी क्वेश्चंस? ओके, मूविंग अहेड. नाउ किसी ने कभी शुगर मिल्स के एम्प्लॉयज के बारे में सोचा है? शुगर मिल एम्प्लॉयज, मैम क्या स्पेशल है शुगर मिल्स? शुगर मिल्स बेसिकली एक सीजनल काम है. सीजनल काम का मतलब समझते हैं. देखो, मुझे रॉ मटेरियल अगर 6 महीने मिलेगा और एनी सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स, तो ऑब्वियसली मेरा काम भी उतने टाइम ही होगा. तो अब ये जो सीजनल एम्प्लॉयज हैं जो बेसिकली 6 महीने मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, आई बींग अ शुगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, और बाकी 6 महीना वो अपने किसी और जगह काम कर रहे हैं, डू यू थिंक उनको भी बोनस मिलेगा? अभी एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि भैया तुम 6 महीने मेरे यहाँ आते हो और उसमें तुमको बोनस भी चाहिए, व्हाट डू यू से, बोनस मिलना चाहिए? फॉर श्योर मिलेगा. इवन इफ द एम्प्लॉय वर्क इन अ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉयड इन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट. आप सीजनल एस्टेब्लिशमेंट हो, डजंट मैटर, आपको बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा. बोनस मिलेगा. फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 10, एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. लेट्स क्विकली रिकैप दिस पर्टिकुलर 10 पॉइंट्स. अप्रेंटिस को बोनस बिल्कुल नहीं मिलेगा. भैया ट्रेनिंग भी हो, गड़बड़ करते हो, बहुत सारे बोनस किस बात का? प्रोबेशन पीरियड पे, पोस्ट क्वालिफाइड ऑब्वियसली आप प्रोबेशन पे होते हो, दैट इज व्हाई प्रोबेशन पीरियड पे बोनस इज अलाउड. अब बोनस में आप देखिए, टेम्पररी एम्प्लॉयज है तो भी बोनस मिलेगा. टेम्पररी हो, पार्ट टाइम हो, डजंट मैटर. टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है. टिल द टाइम मैं आगे आपको ना पढ़ाऊं, बट बाय दिस टाइम आप देखिए, टेम्पररी हो चाहे वो पार्ट टाइम हो, बोनस उनको फॉर श्योर मिलेगा. रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज, बीच रास्ते में आपने छोड़ दिया, यू नो कॉस्ट कटिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे भी आपको बोनस मिलेगा. पीस रेट हो, टाइम रेट हो, अब उनका मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से हो रहा है, दैट डजंट मैटर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि इनको भी बोनस मिलेगा. डिसमिस्ड एम्प्लॉय, आपने गड़बड़ किया, डिसमिस कर दिया गया, बोनस नहीं मिलेगा. बट एट द सेम टाइम डिसमिसल के बाद आपको वापस से बुलाया है विद द बैक वेजेस, तो वहां पे फॉर श्योर यू आर एंटाइटल्ड टू बोनस. एंड लास्ट, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में भी बोनस आपको मिलता है. विद दिस हमारा जो एम्प्लॉय का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है. स्टार्ट किया था टाइप ऑफ वर्क से, वो स्किल्ड अनस्किल्ड चल रहा था, लेटर ऑन वेज सीलिंग हमने देखा, एंड नाउ ये टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज जो है, इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक पे क्वेश्चन आ सकता है, यू नेवर नो. ओके, विद दिस अगला हम करते हैं. चार्ट में बहुत ध्यान से देखिए, एम्प्लॉयर हमने कर लिया, एम्प्लॉय भी कर लिया, अभी क्या बचता है? एज आई टोल्ड यू, मैंने कहा था अकाउंटिंग ये डिस्कस करेंगे, सैलरी डिस्कस करेंगे. तो अभी वी विल डिस्कस अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, देन वी विल डिस्कस द सैलरी एग्जैक्टली. तो राइट नाउ हमने बहुत बार बोला, इन एवरी अकाउंटिंग ईयर एम्प्लॉयर इज सपोज टू पे बोनस. यू नो मैं एवरी कैलेंडर ईयर नहीं यूज कर रही हूँ, मैं फाइनेंशियल ईयर नहीं यूज कर रही हूँ. टैक्स पड़ा है अगर आपने, तो मैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में बात नहीं कर रही हूँ.
मैडम कितने सारे ईयर पढ़ने पड़ेंगे, चार तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट ये समथिंग न्यू तो हमको इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? ओके, अकाउंटिंग ईयर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो हर एक्ट में डेडलाइन होती है। डेडलाइन का मतलब क्या हुआ? आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड में बोनस पे करना है। अब अगर नहीं पे किया तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली आपको पनिशमेंट मिलेगा, पेनल्टी लगेगा। सो जो भी हमको टाइम लिमिट दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है? विथ रिगार्ड्स टू अकाउंटिंग ईयर, इतने महीने फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अकाउंटिंग ईयर, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस अकाउंटिंग ईयर, वो समझते हैं। अकाउंटिंग ईयर यू नो डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है। देखिए, वी हैव गॉट थ्री केसेस अकाउंटिंग ईयर में। अगर कोई कॉर्पोरेशन है तो क्या होगा, कंपनी है तो क्या होगा, लास्ट एनी अदर केस। कॉर्पोरेशन समझते हैं क्या होता है। तीनों के लिए अकाउंटिंग ईयर डेट अलग अलग है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन पूछेंगे वेदर आपको सर्टेन डेट्स गिवन होगी एंड वहां पे आपको पूछेंगे कि बताइए बोनस कब तक पे करना है। तो वहां पे वो टाइम लिमिट के लिए मुझे बिगिनिंग तो पता होनी चाहिए ना कि अकाउंटिंग ईयर कभी एंड हो रहा है। वहां से मैं नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करूंगी जो भी हम आगे टाइम पीरियड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन, कंपनी, एनी अदर केस हमको देखना पड़ेगा। विथ रिगार्ड्स टू कॉर्पोरेशन, व्हाट डू यू थिंक कॉर्पोरेशन क्या होता है? कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी, यहां लिखा है। ऑब्वियसली कंपनी नहीं होगा, जो कि कंपनी भी नहीं है, प्रोप्राइटर नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। मैडम कोई एग्जाम्पल, यू नो ट्रस्ट, जो भी एक किसी पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्टर होते हैं, जैसे कि आपके ट्रस्ट हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, वो आपके क्या होंगे? कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन के लिए हमारा अकाउंटिंग ईयर का डेट हमने दिया है, एज यू कैन सी इन द नोट्स, द ईयर एंडिंग ऑन द डेट ऑन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड। जिस भी दिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाती हैं, वही डेट जो है आपके लिए क्या हो जाएगी? अकाउंटिंग ईयर। व्हेन, शॉर्ट में लिख लेते हैं, BOA, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड बैलेंस्ड। जब भी आपने अपनी किताबें बंद कर ली, दैट मीन्स किताबें, नॉट आवर टेक्स्ट बुक, बुक्स ऑफ अकाउंट जब भी क्लोज कर ली, दैट पर्टिकुलर डेट विल बी योर एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी के केस में वी ऑल नो, कंपनी लॉ थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कंपनी क्या करती है, अपने अकाउंट्स बनाती है। ठीक है जी, अकाउंट्स बना लिए, फिर रिपोर्ट किसको करती है? टू द ओनर, दैट इज टू द शेयर होल्डर्स। कहाँ रिपोर्ट करती है? इन द AGM। तो हमने यहाँ पे यही बात बोली कि जिस भी टाइम पीरियड का कंपनी ने PNL बना रखा हो, वही उसके लिए क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग ईयर। बट माइंड इट, प्रिपेयर करना और AGM में प्रेजेंट करना दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी इन द नोट, द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, पीरियड यहाँ पे लिखिए, पीरियड फॉर विच PNL अकाउंट और यू कैन सी PNL अकाउंट और बुक्स ऑफ अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, पीरियड फॉर विच PNL अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। नोट्स में यहां तक दिया है, बट उसके आगे की लाइन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको समझना पड़ेगा, एंड लेड बिफोर AGM, शेयर होल्डर्स बोल दीजिए, लेड बिफोर शेयर होल्डर्स इन AGM। जिस भी टेन्योर का आप अकाउंट्स बना रहे हो एंड प्रेजेंट कर रहे हो किसको? शेयर होल्डर्स को AGM में, that particular period will be your accounting year in respect of companies. इसमें कोई डाउट है तो बताइए। तो हमने कॉर्पोरेशन के केस में देखा, भैया जब भी किताबें बंद कर लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड बैलेंस, दैट विल बी योर डेट। इन केस ऑफ कंपनी,
The period in respect of which you prepare your books of accounts and present it to the shareholders, that particular period is your accounting year. And the last one, any other case. Any other case mein kaun sa year zyada chalta hai? Financial year. Financial year ka matlab starts on, kabhi start hota financial year? 1st April. And ends on 31st of March. April to March. That is simple. Financial year aapka will be your accounting year. But, you know, cheezes simple rakhye, aisa hamara government chahti nahi hai. Yahan bata diya, yahan bata diya, yahan phir koi condition laga di. Chahat kaise rakh le ki tino ek jaisi hongi. To yahan pe condition hai, employer, agar chahe, to basically, ab koi employer hai, you know, unko financial year to nahi jasta hai. Sir ji, हम सालों से यू नो बाप दादा के टाइम से हम जो है हमारा अकाउंट्स कब तक मेंटेन करते हैं. दिवाली तो दिवाली चलता है हमारा अकाउंट्स तो. अभी यहाँ पे डू यू थिंक अकाउंटिंग या दिवाली टू दिवाली चलेगा? बिल्कुल चलेगा. व्हाई सो? बिकॉज एम्प्लॉयर हैव अ ऑप्शन. एम्प्लॉयर के पास क्या है? ऑप्शन टू फॉलो any other period. Employer has an option to follow any other period as accounting year. आप किसी और period को भी accounting year बोल सकते हो. Ma'am, ऐसा तो नहीं होता. Normally, आप tax पढ़े चुके हैं, वहाँ तो year fix है. I'm not talking about the tax or any other law. What a simple payment of bonus act बोलता है. Normally, in any other case, आपका accounting year कौन सा होगा? Financial year. Employer अगर चाहे तो किसी और period को वो accounting year मान सकता है. Let's see this point in the notes. Accounting year में तीसरा वाला case देखिए. In any other case में point number B. However, the employee has an option to close and balance the books of establishment on any day other than 31st of March. तो आप दूसरा day follow कर सकते हो. But point is कि आपको ये option रोज़ मिलेगा क्या? Do you think ऐसा option रोज मिलना चाहिए? इस साल ये accounting year, अगले साल वो, ऐसे नहीं चलेगा. Option एक ही बार आप बताओ. Option to be exercised. Option to be exercised only once. ठीक है? एक बार आपने option exercise कर लिया, accounting year change कर लिया, be it दिवाली to दिवाली और any other case आप वो follow कर सकते हो. With this हमारा अकाउंटिंग ईयर भी कंप्लीट होता है. अभी तक किया एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और अकाउंटिंग ईयर. अब किस पे फोकस करना है? सैलरी पे. जो नेक्स्ट टॉपिक इज सैलरी. सारा खेल देखो सैलरी पे ही है कि क्या एग्जैक्टली सैलरी में इंक्लूड करें, क्या एक्सक्लूड करें. ऐसा क्यों इंक्लूड एक्सक्लूड क्यों आ रहा है? फॉर द सिंपल रीजन, हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सैलरी के बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं. कितने पार्ट हमने सुने हैं? हमने बेसिक सुना है. सुना है कि नहीं सुना है? बेसिक वेजेस. ये सब लिखना नहीं है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं लिख रही हूँ. हमने एक डीएनएस अलाउंस सुना हुआ है. क्या होता है ये डीएनएस अलाउंस? महंगाई भत्ता जिसको हिंदी में बोला जाता है. आपका यू नो एवरीडे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, दैट इज व्हाई उसको, उसके लिए हमको क्या मिलता है? डीएनएस अलाउंस. ठीक है जी. बोनस होता है, ग्रेच्युटी होता है. बोनस हम पढ़ रहे हैं, ग्रेच्युटी एक अगेन गिफ्ट है जो टर्मिनेशन पे मिलता है. हमारे पास अलग से चैप्टर भी है ग्रेच्युटी, जो हम वहां करेंगे. और क्या होता है? कुछ पैसा पीएफ में जाता है, प्रोविडेंट फंड. अगेन ये आपका एक पर्टिकुलर सेपरेट ऑल टुगेदर चैप्टर है जिसको हम बाद में करेंगे. चलिए जी, कमीशन मिलता है. बहुत सारे अलाउंसेस होंगे. अलाउंसेस जानते हैं?
जैसे आपको एचआरए मिला, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, आप किसी के यहाँ रेंट पे रह रहे हो तो एम्प्लॉयर आपको हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है। और क्या हो सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, नाम एक भी नहीं लिखना है, जस्ट मेकिंग यू फेमिलियर विद द टाइप ऑफ यू नो नेम्स क्या क्या हो सकता है। अब बताइए क्वेश्चन ये आता है, किसी भी एक्ट को जब हम पढ़ेंगे बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग द सैलरी और वेज डेफिनेशन, किसमें क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है। इतने सारे नाम दिए हुए हैं, सबको इंक्लूड करके टोटल लगा लें, डू यू थिंक ऐसा करेंगे? नहीं। सैलरी में एक्ट जब आता है तो अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग लेके आते हैं, इस एक्ट के हिसाब से सैलरी का मतलब ये, और मुझे सिर्फ वही इंक्लूड करना है, बाकी सारी चीजें एक्सक्लूड करनी है। तो यू कैन सी इंक्लूड एक्सक्लूड में हम अलग से देखते हैं क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या एक्सक्लूड करना है। सैलरी में हमेशा 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 इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड में मेरे पास लिस्ट है, ए बेसिक वेजेस आप सैलरी में इंक्लूड करते हो, यहाँ पे डी दैट इज योर डियरनेस अलाउंस विल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी। चलिए जी एक्सक्लूजन्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, एक्सक्लूड बोनस एक्सक्लूड करेंगे, क्यों एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो यहां सीखना है, तो एज ऑफ नाउ बोनस एक्सक्लूड करेंगे। बोनस के अलावा पीएफ, ग्रेच्युटी, कोई भी इस टाइप का एडवांटेज हम एक्सक्लूड करेंगे। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बहुत सारी सर्विसेज देता है, सर्विसेज यू नो यू कैन कॉल इट फैसिलिटी और अमेनिटी, जैसे कि आप क्या लेट से कोई कुक अपॉइंट कर दिया, गार्डनर भेज दिया, सर्वेंट भेज दिया, नो इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो ये सब क्या है, फैसिलिटीज है। तो कोई भी अमेनिटी आप वेजेस में नहीं लोगे, अमेनिटीज मैं नाम नहीं लिख रही हूं, हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, किसी भी टाइप की अमेनिटी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वेजेस। हम इसका लॉजिक भी डिस्कस करेंगे कि ये सब क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे लिटिल लेटर, बट एज ऑफ नाउ लिख लीजिए बोनस नहीं आएगा, पीएफ ग्रेच्युटी अमेनिटीज नहीं आएंगे, इसके अलावा एनी अलाउंस, अब यू नो इतना आसान भी नहीं है, मैंने लिख दिया अलाउंस, स्टूडेंट्स क्या रट्टा वेकेशन करके जाते हैं, अलाउंस एक्सक्लूड में लिखा है, और एग्जामिनर क्या करता है, एक नया अलाउंस लेके आता है, पता चलता है कि वो तो इंक्लूड में आना था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्यों इंक्लूड करना है और क्यों इंक्लूड नहीं करना। एक एग्जाम्पल जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज द रिटेनिंग अलाउंस, साइड में लिख रही हूँ, मीनिंग समझाऊंगी अभी। रिटेनिंग अलाउंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड एक्सक्लूड तो बात की बात है, ये होता क्या है पहले ये समझते हैं। रिटेनिंग का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसको बोलते हैं रिटेनिंग। रिटेनिंग का मतलब क्या हुआ, लेट्स से मेरे यहाँ पे काम बहुत कम हो गया, मेरे एम्प्लॉय को बहुत अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा एम्प्लॉय नहीं जाए, क्यों, भाई बहुत ट्रेंड है एक्सपर्ट है, तो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोकने के लिए मुझे जो अलाउंस देना पड़ रहा, दैट इज द रिटेनिंग अलाउंस, एंड रिटेनिंग अलाउंस फॉर्म पार्ट ऑफ योर सैलरी, दिस इज समथिंग यूनिक पॉइंट, ये बहुत पूछा जाता है रिटेनिंग अलाउंस। नाम पे मत जाइए, नाम के हिसाब से तो अलाउंस को नहीं लेना, बट रिटेनिंग अलाउंस इज स्पेशल और इसको आप जो है लेने वाले हो, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द टर्म सैलरी। अच्छा एक और बात, कई बार आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयज बोलते हैं कि सर आप यहाँ पे कोई कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दीजिए, कैंटीन फैसिलिटी इन द सेंस, क्यों भाई लेबर क्लास जो है घर से नहीं ला सकती है, तो एम्प्लॉयर क्या करता है उनको फूड, बेसिकली फूड वैल्यू या कंसेशन प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डू यू थिंक ये आएगा। आपको क्या दिया, आपको बोला 1000 रुपए का एक कूपन ले लीजिए,
अब आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटर पे, बेसिकली जो कैंटीन का काउंटर है वहां आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आपको कूपन दिखाइए तो आपको फूड प्रोवाइड करेंगे। ये फूड फैसिलिटी हुआ, डू यू थिंक ये फैसिलिटी आपका आएगा? मैंने तो यहाँ लिखा हुआ है एमेनिटीज, एमेनिटीज में हमने बहुत सारी एमेनिटी डिस्कस की थी, डू यू थिंक इसको एक्सक्लूड करना चाहिए? सी, फूड बेसिकली आपको डेली प्रोवाइड किया जा रहा है एंड लॉ ने स्पेसिफिकली एक केस लॉ में बोला है दैट फूड फैसिलिटी, यू नो, अगर इन लियो ऑफ सैलरी है, वैल्यू ऑफ फ्री फूड प्रोवाइडेड इन लियो ऑफ सैलरी, अगर आपको इन लियो ऑफ सैलरी फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब उसको इंक्लूड करेंगे। मैडम इन लियो का मतलब नहीं समझ आया, इसका मतलब सैलरी के बदले। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी मैं इस पॉइंट पे, लेट्स से आपका नॉर्मल वेज कितना था, नॉर्मल वेज आपका डिसाइड हुआ 3000, हो सकता है कि नहीं? इसको समझना इंपॉर्टेंट है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एम्प्लॉय का नॉर्मल वेज डिसाइड हुआ 3000, ठीक है? अब उसने बोला कि सर किसी भी तरह से मुझे फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं घर से लेके आऊं, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है उसके घर पे कोई बनाने वाला नहीं हो। तो यहाँ पे फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, उसका वैल्यू अगर हम निकालें, हर चीज का हम मनी के टर्म से वैल्यू निकाल सकते हैं, फूड फैसिलिटी का वैल्यू था लेट्स से ₹500। लेटर ऑन उसको जो सैलरी मिलती है, सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, उसको जो सैलरी मिल रही है वो 2500 मिल रही है, 2500 का क्या मतलब है? इसको बहुत ध्यान से देखिए, नॉर्मल वेज आपका डिसाइड होता है 3000, फूड फैसिलिटी आपको मिली 500 की, इसके बाद आपको सैलरी कितनी मिल रही है, 2500। कैन आई से सैलरी के बदले में फूड मिल रहा है? एकदम करेक्ट बात है कि नहीं? 500 रुपए का कटकारा क्यों नहीं करा एम्प्लॉयर ने? अब क्या एम्प्लॉयर ने कोई फ्री लंच खोल रखा है, कोई धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखी है कि जो आए खाना खा ले? आपको फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की सैलरी के बदले में, कैन आई से 3000 के बदले में 500 की फैसिलिटी प्रोवाइड की, इसलिए 2500 दिया गया। तो जब ये आपका पार्ट ऑफ सैलरी है तो ऑब्वियसली दिस शुड बी इंक्लूडेड इन योर सैलरी। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज इन लियू, यानी सैलरी के बदले में आपको फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, दैट मीन्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरी, क्योंकि रियल में वो सैलरी का पार्ट है। इसमें किसी को कोई डाउट है? मूविंग अहेड, और क्या दे सकता है एम्प्लॉयर? बहुत सारे कॉम्पनसेशन होते हैं, तो हमको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं लेना है। एक्सक्लूशंस की लिस्ट में यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, आपको बोला रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। थोड़ी देर पहले ही हमने रिट्रेंचमेंट पढ़ा। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? छटनी कर दिया आपको, फोर्सफुली इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया बिकॉज काम नहीं है एम्प्लॉयर के पास। अब ऐसे किसी को अचानक से बोलो भैया कल से काम पे नहीं आना, दूसरा नौकरी ढूंढो, तो कॉम्पनसेशन तो देना ही पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, दैट इज वाई उसको हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सैलरी। ये हो गया हमारा रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। ओके, और यू नो बहुत टाइप के बोनस दिए जाते हैं, कैन आई से हम जैसे क्लास में करते हैं, जो रेगुलरली आएगा उसके लिए कुछ स्पेशल करेंगे, यू नो अटेंडेंस वाइज देखते हैं, जिसका भी पूरा अटेंडेंस होगा उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट होगा, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे सेम चीज अप्लाई होती है फैक्ट्री पे भी। कैसे? यहाँ आपको एक अटेंडेंस बोनस मिलता है, अटेंडेंस बोनस का मतलब क्या हुआ? बेस्ड ऑन द अटेंडेंस, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको मिलेगा, तो दैट पर्टिकुलर बोनस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सैलरी, इसलिए इसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे।
ये बात क्लियर है? ऐसे ही आपका अटेंडेंस बोनस हो गया, प्रोडक्शन बोनस हो गया, प्रोडक्शन बोनस। अब यू नो ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, बट आई एम ट्राइंग टू कवर अप एज मेनी नेम्स एज पॉसिबल। सो हमारे पास किसी भी नाम से अलाउंस होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसका नेचर देखिए, नेचर अगर इन चारों में से किसी में आता है देन विल इंक्लूड और एल्स वी विल एक्सक्लूड दिस। ये बात क्लियर है? वेल लास्ट पॉइंट आई वांट टू टेक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कभी आपने सुना है ले ऑफ कॉम्पेंसेशन? ले ऑफ कॉम्पेंसेशन क्या होता है ये? मैम सैलरी तो पढ़ा था लेकिन ये सारे टर्म्स एकदम नए लग रहे हैं। बेसिक डीए तक तो पता था, ये ले ऑफ कॉम्पेंसेशन क्या होता है? ले ऑफ कॉम्पेंसेशन क्या होता है? कई बार यू नो हमारे पास एम्प्लॉयर क्या बोलता है, एग्जाम्पल एम्प्लॉयर के यहाँ मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, हो सकता है कि नहीं? मशीनरी खराब हो गई, भाई मशीन है खराब हो ही जाती है, और एल्स रॉ मटेरियल नहीं है। नाउ अगर हम देखिए मशीनरी ब्रेकडाउन या रॉ मटेरियल नहीं है मेरे पास, वापस यू नो कुछ मटेरियल नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूंगी काम? आई रिक्वायर एटलीस्ट, आई बीइंग द एम्प्लॉयर, मुझे कम से कम 5 दिन चाहिए तब जाके काम शुरू हो पाएगा। तो ले ऑफ यानी ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि भैया तुम मत आओ, 4 दिन मत आओ, छुट्टी करो। अब सोचिए ऐसी सिचुएशन में उस एम्प्लॉय का क्या होगा जिसका पर डे के हिसाब से या पर पीस के हिसाब से पेमेंट होता है। मेरा एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर 4 दिन 4 डेज फैक्ट्री रही क्लोज, 4 डेज फैक्ट्री रही बंद, डब्बा लगा दिया मतलब क्लोज। अब जो एम्प्लॉय है क्या उसका कोई गलती था इधर? बिल्कुल नहीं। अब उसको तो अपना ना बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो बेसिकली पर डे जो कमा रहे हैं उससे उनका खर्चा चल रहा है, करेक्ट बात है कि नहीं? 4 दिन तक फैक्ट्री क्लोज रही, क्या एम्प्लॉय की कोई गलती थी? नहीं। तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को यू नो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय क्या देना पड़ेगा? कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन किस लिए? फॉर 4 डेज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? 4 दिन तक उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, उसका घर कैसे चलेगा नहीं तो ना? ये जो कॉम्पेंसेशन होता है उसको हम बोलते हैं ले ऑफ कॉम्पेंसेशन। ले ऑफ का मतलब बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को काम नहीं मिला उसके अगेंस्ट में जो कॉम्पेंसेशन मिला दैट इज योर ले ऑफ कॉम्पेंसेशन। एंड अगेन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर ले ऑफ कॉम्पेंसेशन शुड बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। ना ऐसा डिसाइड किया गया दैट दिस शुड बी इंक्लूडेड इन सैलरी। हम इसको यहां पे इंक्लूडेड वाले लिस्ट में लिखना चाहेंगे। मैं साल रफ कर रही हूं एक्सक्लूजन में। ई ले ऑफ कॉम्पेंसेशन दैट मीन्स इनके अलावा जो भी कुछ है वो सब क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर से रिकैप करते हैं, बेसिक डीए रिटेनिंग ये आपका नॉर्मली होता है, स्पेशल केसेस में आपको ले ऑफ अलाउंसेस ले ऑफ कॉम्पेंसेशन मिलेगा। विद दिस ये सेशन कंप्लीट होता है, आगे का जो टॉपिक्स है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।